गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैंने गिवन टाइम पे आपको बहुत अच्छे से कवर करके दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड इसके बाद ऑब्वियस बात है आपका सॉलिड स्टेट चालू होगा। ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि हो सके तो जितना जल्दी हो सके इस वीक में आप नरेंद्र वस्ते कम्प्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। ठीक है, लास्ट क्लास हमने सीखा था कि भैया कि जो भी साइंटिस्ट ने डी बाई हकल्स लॉ वगैरह निकाला था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, लेकिन जब अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी हो इस केस में हम कभी भी डी बाई हकल्स लॉ नहीं लगा सकते सिंपल मेथड से। इसके लिए कॉलर्स नाम के साइंटिस्ट आया था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लोरस। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। ये भाई साहब का क्या कहना था, ठीक है, एट इंफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड। इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएटेड एंड आयंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एंड आयंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर सो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी so limiting equivalent conductivity of any electrolyte will be equal to summation of limiting equivalent conductivity of cation and anion. Okay, Kohler's law का क्या मानना था? देखो, basically मैंने आपको पहले बोला था इसी स्पेशल मेथड से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो देखो कहता क्या है, आपको भी पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के दोनों क्या होते हैं, 100% डिसोसिएटेड हो जाते हैं। जब 100% डिसोसिएट होंगे बेटा तो याद रखना कि जब वो कंप्लीटली बहुत ज्यादा पानी है जब बहुत ज्यादा पानी होगा और सॉल्यूट बहुत ज्यादा कम होगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ना के बराबर हो जाएगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग कोई भी हो। ठीक है, और जब अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनके बीच में पूरा पानी आ चुका है उन दो आयंस के बीच में, तो इसका मतलब आयंस और कैटायंस और एनायंस का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं रहा। इसका मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 100% डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके समेशन ऑफ कैटायन लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन और एनायन होता है। तो कहने का इसका क्या मतलब था कि भाई लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, of any electrolyte किसके बराबर होता है, lambda infinite equivalent of cation plus lambda infinite equivalent of anion, ये इसका summation के बराबर होता है। तो lambda equivalent infinite plus का मतलब ये होता है कि limiting equivalent conductivity of cation, और उसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, limiting equivalent conductivity of anion। Okay, ये limiting equivalent of cation of anion होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इंपॉर्टेंट, तो यही होता है बेसिकली। ठीक है, उनका किसी भी वीक क्योंकि आप ये तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डाटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, गौरतलब की बात यह है
कि आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा कि इट इज लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो सिंपल सा बोलेगा कि लिमिटिंग कंडक्टिविटी है। तब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा यूनिट देख के कि ये मोलर कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया, इसका मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, या अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आती है इसका, किसी भी कैटायन का या एनायन का एन फैक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कैसे मेजर रोल प्ले करता है, देखो एन फैक्टर इनका क्या होता है, एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन आयन, क्या होता है चार्ज ऑन आयन। ठीक है, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ चुकी होगी तो मुझे, मैंने लास्ट क्लास में बताया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इनटू लैम्डा ई क्यू, ये होता है क्या, ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन को मैं क्या लिख सकता हूं, एन फैक्टर ऑफ कैटायन इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और लैम्डा इक्विवेलेंट सॉरी लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन किसके बराबर होगा, एन फैक्टर को इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बात है, ये पंडा है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, समझो बात, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ बेसिकली, ठीक है, मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट शॉर्ट रिविजन के तौर पर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक भी है। ठीक है, एन फैक्टर होगा या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करोगे और टोटल नेगेटिव चार्ज, और टोटल नेगेटिव चार्ज, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं बन सकते इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl में कितना होगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। MgSO4 में एन फैक्टर कितना, देखो कैटायन पे भी प्लस 2 चार्ज है, एनायन पे भी माइनस 2 चार्ज है, तो एन फैक्टर अगेन इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं Al2SO4 की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका कितना हो जाएगा, 3 2 6, या तो ऐसे काउंट करो कि टोटल चार्ज कितना है कैटायन पे, प्लस 3 है और नंबर ऑफ कैटायन कितने, 2 है, तो यहां पे फर्क आ जाएगा नंबर, तो आपको नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एन फैक्टर को मैं ऐसे डिसाइड कर सकता हूं, ओवरऑल एन फैक्टर मेरे लिए क्या होगा, म्यू प्लस मतलब नंबर ऑफ कैटायन इनटू एन फैक्टर ऑफ दैट, या म्यू माइनस और एन माइनस। ठीक है, म्यू माइनस और एन माइनस, कहने का मतलब है म्यू प्लस बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ कैटायन, वो भी एक एन फैक्टर होता है, या तो आप इसको काउंट करो या तो इसको काउंट करो, बराबर है, ये माइनस साइन नहीं है, बराबर साइन है। ओके, और एन प्लस कितना हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ कैटायन। ठीक है, वैसे म्यू माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनायन, और वैसे एन माइनस क्या हो जाएगा, एन माइनस हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ एनायन। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपका, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा, तब आपको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये आपको लैम्डा एम सी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब नंबर मेरे म्यू प्लस हो गया, म्यू प्लस इनटू ये क्या दे रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस म्यू माइनस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आई बात समझ में। तो याद रखिएगा नंबर में, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हम यहां लिखेंगे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इनटू नंबर ऑफ कैटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन इनटू नंबर ऑफ कैटायन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दी, बस यही तरीका। इससे ज्यादा आपको कोहलर सुबह में कुछ करने बहुत आसान है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है, डोंट वरी, बट मैं आपको एक करके सिखाऊंगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहीं से मैं बात करूं कि भैया मान लो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये किसके बराबर हो जाएगा, समझो बात को, अगर मुझे मान लो लिमिटिंग आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है और दिया है मोलर, ये लैम्डा मैंने मोलर से डिनोट किया, देखो ये लैम्डा मैंने मोलर से डिनोट किया और उल्टा भी मैंने इक्विवेलेंस के लिए डिनोट किया,
तो अगर मुझे लैम्डा मोलर पता है कैटायन का, अगर मुझे कैटायन का पता है, n फैक्टर ऑफ कैटायन से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये मुझे क्या देगा? देखो अगर मैं इसको n फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन देगा प्लस 1 बाय n माइनस इनटू लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, कैटायन ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो समझने में। ठीक है, ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन बाय n फैक्टर मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन हो जाएगा limiting molar conductivity of anion divided by n factor of anion that is equal to limiting equivalent of anion। ठीक है, और दोनों का ऐड कर दी, बस समझ में आया। तो बस यही तरीका, तो बहुत ज्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन कुछ पूछता नहीं है, तो दो चार मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको एक एक्सप्रेशन निकालना, इसमें बस होता है एक बार एक्सप्रेशन निकालना सीख गए तो चीजें बहुत आसान है, फिर आपके कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली बात नहीं है। जैसे सपोज करो अगर मुझे NaCl के लिए मुझे लिखना हो यही एक्सप्रेशन, तो ठीक है n फैक्टर यहाँ के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है म्यू प्लस इज इक्वल टू म्यू माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, लेट्स से सपोज करो मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लिखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, n, अब मुझे पता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए मुझे क्या लिखना है, नंबर ऑफ कैटायन 1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लैम्डा इंफिनाइट इक्विवेलेंट ऑफ NaCl की अगर मैं बात करूं, क्योंकि n फैक्टर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल भाषा में अगर मैं इसकी बात करूं ये हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे n फैक्टर तो सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय 1 बाय 1, तो वही बात है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। मोलर कंडक्टिविटी दिया उसी के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा, जनरली क्वेश्चन आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया था, जो नहीं भी दिया तो आप किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ MgSO4 के लिए, MgSO4 के लिए बात करूँ तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और म्यू प्लस इज इक्वल टू म्यू माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, म्यू प्लस इक्वल टू म्यू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4, अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस 2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, आपको अगर मान लो मुझे बोला कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो भैया MgSO4 की, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया तो लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस और लैम्डा इनफिनिटी ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, दोनों को ऐड कर। अगर नहीं दिया हुआ लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी है तो कुछ नहीं, इसके n फैक्टर से डिवाइड करो, इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, तो लैम्डा इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस 2 या 1 बाय 2 लैम्डा इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, एक तरीका ये है, या तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं लैम्डा इनफिनिट इक्विवेलेंट ऑफ Mg प्लस 2 या लैम्डा इनफिनिट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस। अगर इसके रिस्पेक्ट में दिया होता ऐसा एक्सप्रेशन लिखना, इसके रिस्पेक्ट में दिया होता ऐसा एक्सप्रेशन को, बस कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, और अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और मैं समझाऊं तो Al2SO4 थ्राइस, अब यहां पे चीजें चेंज हो जाएगी, यहां पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, n फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, म्यू प्लस यहां पे 2 है और म्यू माइनस इज इक्वल टू कितना है 3 है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं बोलूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला था नंबर से मल्टीप्लाई करना मोलर कंडक्टिविटी है,
तो क्या होगा मेरा 2 इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है, ये हो गया। और अगर मान लो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको लिखना है Al2SO4 thrice का, Al2SO4 thrice का लिखना है, तो इसी पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/6 Al2SO4 thrice, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ये पूरा मेरे लिए क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये मेरा मेरे पूरा क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। अगर इस पूरे को मैंने किससे n फैक्टर से डिवाइड किया 6 से, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस 1/3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-, ठीक है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, Ca3PO4 twice, ठीक है, अगेन n फैक्टर मेरे लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, म्यू प्लस बराबर 2 हो जाएगा, म्यू माइनस बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी म्यू प्लस बराबर 3 हो गया और म्यू माइनस बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मान लो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका निकालना है, Ca3PO4 ट्वाइस निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ कैटायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ कैटायन कितने 3 है, इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 प्लस 2 इनटू क्या करूंगा मैं 2 इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ PO4 3-, ठीक है, ये मेरे लिए हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना हो Ca3PO4 thrice का, तो इस पूरे ये मेरे लिए पूरा क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टोटल Ca+2 का, इसे कैन फैक्टर से डिवाइड करते हो, इसका कैन फैक्टर 6 है मेरा, अगेन तो ये क्या हो जाएगा अगेन 1/2, अच्छा ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहां पे 6 से डिवाइड करना 1/2, यहां पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ Ca+2 प्लस 1/3 लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ PO4 3-, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं ये चीजें तब वैलिड है जब लैम्डा m में दिया होगा, अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट दिया तो डायरेक्ट ऐड करना लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ca+3 Ca+2 लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ PO4 3-, हां इक्विवेलेंट हम नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं करें, ये रूल याद रखें, क्योंकि n फैक्टर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी इक्विवेलेंट में n फैक्टर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब चीजें हो गई, अब इसके बात करते हैं एप्लीकेशन के, ठीक है, एप्लीकेशन में क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन एक्चुअली पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NH4+, देखो यहाँ पे सिर्फ आपका ऐसे डिनोट करेगा, आपको पहचानना पड़ेगा यूनिट से कि ये इक्विवेलेंट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ NH4+ दिया हुआ 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, उसके बाद दिया लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Al+3, ये जो आपको दिया हुआ है 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लैम्डा SO4 2-, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही है, ठीक है, और आपको पता है लिमिटिंग मतलब वर्ड ही तभी होता है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, मतलब ये दोनों तो मोलर कंडक्टिविटी है और ये कौन सा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, कैलकुलेट, फर्स्ट बोल रहा है लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ Al+3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 thrice, ठीक है। तीसरा क्या बोला उसने लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 twice SO4, ठीक है, ये आपको बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इसने दी है, मोलर कंडक्टिविटी n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 300 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मतलब क्या हो जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड प्रोसेस की अगर बात करो, सेकंड क्वेश्चन, तो लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट किसका उसने पूछा है, Al2SO4 ट्राइस, Al2SO4 ट्राइस। तो Al का तो आपको इक्विवेलेंट पता है 100 है, ठीक है, प्लस इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी उसको दिया हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला यहां पे नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, अगर डायरेक्ट इक्विवेलेंट दिया तो इक्विवेलेंट में ऐड कर दो, हां मोलर कनेक्टिविटी होती तो मुझे नंबर से भले ये पता चलता, तो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4 मतलब लैम्डा इनफाइनाइट मोलरिटी NH4 ट्वाइस SO4, डजंट मैटर आप बी से लिखो या उससे लिखो, डजंट मैटर, लैम्डा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, एम होना चाहिए, ये यूज करिए, मीनिंग है कि उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इसका क्या है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, 2 × 200 NH4 प्लस का SO4 2 माइनस का कितना है आपका 125 है, कितना है 125 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस कितना हो जाएगा 525, कितना हो जाएगा 525, अच्छा सॉरी 200 है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो 200 बाय 1 200 ही होगा, ठीक है, और मुझे मोलर कनेक्टिविटी निकालना है ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे देखो गलती कर दी ना, ये इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी दिया ना, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी मोलर कनेक्टिविटी कैसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे मैं इसको किससे, 2 से, इसके n फैक्टर से, सॉरी माय मिस्टेक, देखो गलती हुई ना, क्योंकि इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मोलर कनेक्टिविटी कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये आंसर आ जाएगा 650, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के, आखिर इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स लॉ, ठीक है, तो पहला तो भैया आपका एप्लीकेशन ये कि डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मैंने बोला कॉलर्स लॉ का मेन एप्लीकेशन ही ये था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं मैं इसको, अगर CH3COOH है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COOH- + H+, किसमें डिसोसिएट, CH3COOH- + H+। तो पहला तो तरीका ये है कि भैया लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दिया उसका निकालना CH3COOH का, तो क्योंकि कैटायन और एनायन का अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH- + लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, ऐड कर सकते हो तो डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बोलगा भैया कि मान लो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिया हुआ किसका, CH3COOH-NaHCl और NaCl, ठीक है, आपको ये दिया हुआ X1 X2 और X3 इनका वैल्यू दी हुई है, आपको क्या करना है, आपको CH3COOH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको इन तीनों का ऐसा अरेंज करना पड़ेगा कि नेट आपका CH3COOH आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन में आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा CH3COOH को, ठीक है, अगर मैंने क्या किया इसका लैम्डा CH3COOH-Na + लैम्डा HCl इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट ऐड करना मत भूलिएगा,
प्लस माइनस लैम्डा इनफिनिटी ऑफ NaCl। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे देखो एग्जैक्ट इक्वेशन ये मिलेगा। कैसे? अगर इसको डिसोसिएट करो तो ये कैसे हो जाएगा, CH3COO- प्लस लैम्डा इनफिनिट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इनफिनिट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इनफिनिट ऑफ Cl- माइनस ठीक है Cl- माइनस माइनस ऑफ लैम्डा इनफिनिट ऑफ Na प्लस माइनस ऑफ लैम्डा इनफिनिट ऑफ Cl- माइनस। ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, लास्ट में आपको ये मिल रहा है। इसका मतलब इस दो को ऐड करने से, इस दो को ऐड करने से तीसरे सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लैम्डा इनफिनिटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मिलती है किसके, CH3COOH। इस तरीके से दो तीन कॉम्बिनेशन वो आपको देगा, हो सकता है एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन दे दे और आपको एक पूछेगा भैया क्या ऐसा क्या करूँ ताकि क्या जोड़ घटाव करूँ मैं ताकि मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी मिल जाए। तो इस तरीके से आपको आइन अरेंज करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये पहला एप्लीकेशन था, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है मेरा इसमें, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो मैंने पहले बोला था बिना आयनिक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अ बॉडी विदाउट सोल, वैसी बात हो जाएगी, ठीक है। तो आयनिक का आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज करवा ही देगा, ठीक है। मुझे पता है कि लैम्डा इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि मोलरिटी तो ऑलमोस्ट टेंस टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अल्फा के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब 1 के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि अल्फा के ऊपर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, समझो ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस टूटेंगे जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। वैसे अगर ये तो इनफाइनाइट की बात है, ठीक है, अगर मान लो कोई एनी कंसंट्रेशन पे, एट एनी कंसंट्रेशन पे मुझे अल्फा पता नहीं है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन गिवन कंसंट्रेशन पे, कोई भी एन गिवन कंसंट्रेशन पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, लैम्डा एम बाय लैम्डा इनफाइनाइट एम। गिवन कंसंट्रेशन दिया हुआ है लैम्डा, अगर मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप उसके वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। जब अल्फा पता चलेगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इससे आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं शॉर्ट फॉर्म में, आपको ज्यादा समझ में आएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ क्या, आपको दिया हुआ है कप्पा, कप्पा की वैल्यू कितनी 3.3 10 to -4, ठीक है।
कंसंट्रेशन आपको कितना दिया हुआ, कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.2, ठीक है 0.2 दिया हुआ, और अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई है 0.05, और लैम्डा इनफाइनाइट उसने पूछा है। तो मुझे पता है, मुझे अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी या 0.2 कंसंट्रेशन पता चला है, तो मुझे तो यहां से फार्मूला से मैं इनफाइनाइट डायलेशन का निकाल सकता हूं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था, कप्पा इनटू 1000 बाय m, मतलब ये होगा कप्पा बराबर 3.3 इनटू 10 रेस टू -4 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.2। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लैम्डा m बाय लैम्डा इनफाइनाइट m के ऊपर पुट कर दीजिए, यहां से आप ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको होमवर्क, आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना, बाकी मैं चीजें यहीं तक छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो ये हमारा था दूसरा एप्लीकेशन, हम किसी अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है आपका, ठीक है, तीसरा पार्ट बोला सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ऐसा समझो, अगर मैंने बोला भाई किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 10^-5, इसका मतलब क्या हुआ, 10^-5 का मतलब क्या हुआ कि भैया एक मोल प्रेजेंट 10^5 लीटर में, समझना बात को, 10^-5 मोलरिटी का मतलब क्या हुआ कि एक मोल प्रेजेंट है 10^-5 मोल्स प्रेजेंट है एक लीटर में, तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइटी तो होगा। आप खुद से समझो, इतनी कम वैल्यू है, ऑब्वियस से बात है जो उसके रिस्पेक्ट में जो भी वॉल्यूम होगा ऑब्वियस से बात है वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी है। इनफाइनाइट कोई एक वैल्यू नहीं होती, एक बहुत लार्जर डिफरेंस हो गया तो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सैचुरेटेड पहले लिख देता हूं मैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइट डाइल्यूटेड, इज assume to be infinite diluted, ठीक है। वो assume मतलब sparingly soluble salt बोल दिया, इसका मतलब already वो infinite dilution में, assume क्या हुआ, generally formula क्या होता है, lambda बराबर क्या होता है 1000 into kappa by m, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान रहा था infinite dilution situation में, infinite dilution सिचुएशन में यही मोलरिटी किसके बराबर हो जाती है, सॉल्युबिलिटी के बराबर, तो लैम्डा इनफाइनाइट m बराबर क्या हो जाएगा 1000 इनटू कप्पा बाय s, बस ये डायरेक्ट फार्मूला आता है, कुछ भी करना नहीं, ठीक है। s निकल जाए आपको ये वैल्यू पता है तो s इजीली निकल जाएगा, s पता चल जाएगा, मतलब ksp की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो जब स्पेरिंग में सॉल्युबल सॉल्ट बोला, इसका मतलब ऑलरेडी इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, क्योंकि ऑलरेडी मोल्स बहुत कम हो चुके हैं उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको और अच्छे समझ में, ठीक है। For a saturated solution of, for a saturated solution of, for a saturated solution of AgCl at 25 degrees Celsius, conductivity is 3.4 × 10⁻⁶, 3.4 × 10⁻⁶, 3.4 × 10⁻⁶ ohm inverse centimeter inverse, and that of water used is, and that of water
resistor is 138 ohm centimeter square mole inverse, then calculate इंटरेस्टिंग है ये और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी कोई घबराने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बोल क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया मतलब ऑलरेडी वो सिचुएशन किस में है, इनफिनिट डाइल्यूशन में, ठीक है। और उसमें बोला है कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उसमें वाटर जो यूज किया है ना उसकी भी कंडक्टिविटी दे दी है। तो बात समझना, यहाँ पे जो कंडक्टिव, देखो कभी भी सिचुएशन में अगर वाटर की कंडक्टिविटी होती है तो सपोज करो K टोटल बराबर क्या होता है, K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस कप ऑफ वाटर, जनरली ये फॉर्मूला आता है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको कप दिया जाता है, इसका मतलब वो टोटल दिया जाता है। वाटर का कभी कभी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर वैल्यू नहीं दी हुई तो। इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर इसने लिया है वो कंडक्टिविटी वाटर है। कौन से वाटर है, कंडक्टिविटी वाटर, मतलब वाटर भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला जो वैलिड होता है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी पे वैलिड होता है, याद रखना। आप वाटर की कंडक्टिविटी यहाँ पे जो कंडक्टिविटी यूज करोगे सिर्फ वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करोगे, ना कि उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए पहले आपको उसका इलेक्ट्रोलाइट का निकालना पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी टोटल कितना दिया, 3.4 × 10⁻⁶ कप ऑफ AgCl प्लस कप ऑफ वाटर कितना दिया, 2.02 × 10⁻⁶। तो कप ऑफ AgCl कितना हो जाएगा, कप ऑफ AgCl हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl हो जाएगा आपका 1.38 × 10⁻⁶, ठीक है। तो अगेन मुझे फॉर्मूला पता ही है, लैम्डा इनफाइनाइट, एम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 × कप्पा/सॉल्युबिलिटी, और आपको निकालने क्या सॉल्युबिलिटी, तो 1000 × कंडक्टिविटी कितनी दी है, 1.38 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, और लैम्डा इनफाइनाइट एम कितना दिया हुआ है AgCl का 138। तो कुछ नहीं, आप यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल लोगे और KSPV निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या हो सकता है, ये हो तीसरा यू एप्लीकेशन, ठीक है। चौथे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट रुकना, ठीक है। चौथा एप्लीकेशन डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, देखो हम अभी तक इसमें जो भी यूज आया वो ऑलमोस्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का ही है। तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको नेग्लेक्ट मत करें। आयनिक प्रोडक्ट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। KW की बात करूं या KB की बात करूं तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये हमने ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो KW को मैं क्या लिख सकता हूं, 55.5 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यही होता है। मुझे पता है H2O कंडीशन किस में टूटेगा, H+ और OH- माइनस में टूटेगा, ठीक है। और लैम्डा एम डिफाइन कैसे होगा, लैम्डा एम जो डेफिनेशन होती है वो होती है 1000 × कप्पा बाय एम होती है, क्या होती है, कप्पा बाय एम। अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन सिचुएशन लगा दूं, इस केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा इनफाइनाइट एम हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 × कप्पा और कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH माइनस, क्योंकि दोनों का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दोनों का कंसंट्रेशन तो क्या रहेगा, सेम एट एनी कंडीशन वाटर का कंसंट्रेशन सेम ही रहता है, H+ और OH माइनस का दोनों का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैं H+ का भी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, तो क्या होगा, 1000 × कप्पा बाय लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है। तो H+ का आपको पता है, H+ पता है, इसका मतलब pH की भी वैल्यू आपको निकलवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम KW क्या निकाल सकते, KW बराबर H+2, ये हमने पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी आज तक JEE में क्वेश्चन नहीं आया, कभी नहीं पूछेगा, नॉट वरी। पर एक यूज है जो हमने निकाला था KW बाय 55, एक्चुअली यहाँ से आया था, एक्चुअली वो यहीं से आया था, आई बस समझ में। तो दिस वाज योर सेकंड लास्ट टॉपिक, अब लास्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उससे, ग्राफ वगैरह आज तक न्यूमेरिकल कभी पूछा नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट योर सिलेबस। ठीक है चलो फिर लास्ट कंडक्टर में डिटाइटेशन पढ़ते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन कंडक्टोमेट्रिक डाइजेशन। देखो हर टाइट्रेशन का एक ही रूल होता है, इनिशियली हर चार फेज होते हैं हर टाइट्रेशन में, बिफोर रिपीट आफ्टर रिपीट, ठीक है एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है न्यूट्रल पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट, ये चार पॉइंट इसमें भी होते हैं। ठीक है अब आपको ऐसे प्लस टाइट्रेशन में याद होगा कि जो भी कर्व बनते थे वो H प्लस के कंसंट्रेशन के चेंज होने की वजह से बनते थे। ठीक है यहाँ पे भी कर्व बनेंगे बट क्या होगा कि अगर आयन चेंज करेगा, आयन चेंज करेगा तो उनकी कंडक्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टिविटी चेंज होगा तो कर्व में भी चेंज आएगा। तो बस ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का है कि आयन के चेंज होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टिविटी चेंज होगी तो कर्व भी चेंज होगा, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आपको क्या देखना है, कंडक्टिविटी देखनी है कि कौन कौन सा आयन का, हर आयन की अपनी कंडक्टिविटी होती है तो जिस वजह से कर्व भी चेंजेस। डोंट वरी आपको मैं ग्राफ में भी समझाऊंगा, आपको आपको बेटर समझ में आएगा। पहले मैं लिख देता हूं टाइट्रेशन इन व्हिच कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड, टाइट्रेशन इन व्हिच कंडक्टिविटी, टाइट्रेशन इन व्हिच कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर, सो द सॉल्यूशन इज मेजर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन, एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन, एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन आर नोन एज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, आर नोन एज कंडक्टोमेट्रिक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन लाइज इन द फैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन लाइज इन द फैक्ट, लाइज इन द फैक्ट, lies in the fact that during the titration that during the titration during the titration during the titration one ion is replaced by another, one ion is replaced by another, one ion is replaced by another and since each ion has and since each ion has and since each ion has different conductivity, different conductivity, since each ion has different conductivity so net conductivity of solution, so net conductivity of solution. ठीक है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, देखो इसी पूरे पूरे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ही फैक्ट पे चलता है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन हर एक आयन एक दूसरे आयन से रिप्लेस होगा और हर आयन का अपना कंडक्टिविटी होता है जिसकी वजह से टोटल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होता है,
फर्क होता है और यही कंडक्टर मैट्रिक क्या होता है, टाइट्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा फैक्ट क्या होता है इसमें, नॉर्मली टाइट्रेशन करवा, नॉर्मली टाइट्रेशन कर्व आर स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आइदर डिक्रीजिंग, आइदर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होंगे और इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होंगे, और इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होंगे या रिमेन कांस्टेंट, और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन आपको याद रखनी है, बिफोर ईपी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं, और आफ्टर ईपी, बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आफ्टर ईपी में याद रखना। ठीक है, आफ्टर ईपी में अगर ब्यूरेट में आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो कंडक्टिविटी डज नॉट चेंजेस मच। पहले आफ्टर ईपी कंडीशन, मतलब ब्यूरेट में, मतलब सब कुछ इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद भैया जो भी ब्यूरेट में सॉल्यूशन होगा उसमें जो आयन होगा उसकी वजह से कंडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। अब ब्यूरेट में अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और ओवरऑल ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, नो चेंज वाला। ठीक है, पैरेलल वाला। ठीक है, और यदि मान लो क्या रहा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा उस केस में, बहुत तेजी से बढ़ेगा। कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा और ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो वीक केस हम करके समझते हैं। पहला है वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए पहले बिफोर ईपी समझो, आफ्टर ईपी समझो, बिफोर ईपी ऑटोमेटिकली उसके जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केसेस कौन सा हो सकता है, या तो होगा CH3COOH वर्सेस NaOH, ठीक है, या होगा NH4OH, या होगा वर्सेस HCl, यही दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर ग्राफ डिसाइड करना, कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं लेके चला CH3COOH, ठीक है, वर्सेस NaOH, ठीक है, वर्सेस NaOH, दूसरा ऑटोमेटिकली उसके जैसा होगा। CH3COOH आपके पास कहां, ब्यूरेट में। देखो पहला जो लिखा रहता है वो हमेशा बीकर में रहता है, पहला वाला सॉरी हमेशा बीकर में रहेगा और बाद वाला हमेशा ब्यूरेट में रहता है, तो ये बीकर में है। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है भैया, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, इसमें NaOH ऐड कर, तो रिएक्शन सोच लो, तो रिएक्शन क्या होगा, CH3COOH में जब आप NaOH डालोगे तो ये बनेगा CH3COOH plus H2O। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, मतलब ये बिफोर ईपी, मतलब बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। क्यों, देखो यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक एसिड था, और देखो आयन कौन से, सेम है इसमें CH3COOH- और CH3COOH, और H+ को कौन रिप्लेस कर रहा है, Na+ रिप्लेस कर रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, Na+ को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिफोर ईपी तो ये बात होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, आफ्टर ईपी आपके पास क्या बचा, सिर्फ NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तेजी से बढ़ेगी, फिर क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी, अच्छा पैरेलल हो गया ना, ऐसा नहीं, फिर क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक, फिर से रिप्रेजेंट बता रहा हूं, बिफोर ईपी, मतलब बिफोर ईपी आपके पास क्या होगा, बिफोर ईपी समझो, इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले आपके पास बीकर में क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आप उसमें क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट जब पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आफ्टर बीकर, आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट जो भी आप डालोगे वो उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगा, आप किसके ब्यूरेट में आपके पास क्या बचा है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। आज जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, जैसे इसमें बात करूं, जैसे NaOH वर्सेस CH3COOH, उल्टा कर दूंगा इसी केस को, मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा,
बीकर में था जिसमें आप क्या डाल रहे हो CH3COH, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है CH3CONa में कन्वर्ट हो रहा है। पहले भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, बाद में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझना बात को ध्यान से। यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आयन कौन सा था, Na प्लस और OH माइनस। यहाँ पे पास आपके पास आयन कौन सा, CH3COH माइनस और Na प्लस, ठीक है। आप बिफोर EP से पहले एक आयन तो आपके पास सेम है Na प्लस, और दूसरा आयन कौन रिप्लेस हो रहा है, OH माइनस को कौन रिप्लेस कर रहा है, CH3COH माइनस। इसका मतलब ये है, आपको मैंने पहले भी बताया था, वी आपको शायद ये बताया होगा, मैंने कौन से लेक्चर में तो बताया था कि OH माइनस H प्लस का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है CH3COH माइनस, इसका मतलब कनेक्टिविटी क्या होगी, पहले से घटेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले से घटे गए कनेक्टिविटी, ठीक है। और आफ्टर ईपी क्या, आफ्टर ईपी से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले बोला, अगर ईपी में आपके पास क्या होता है, ऐसे ग्राफ बना, ईपी में अगर आफ्टर ईपी में अगर आपके पास ये होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उस केस में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरे केस की, ठीक है, तीसरा केस है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये जेई में पूछा गया है 2013 में और 2015 में, ये क्वेश्चन आया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना था, ठीक है। जैसे सपोज करो CH3COH वर्सेस C2H5TriN, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको चेंज करना है, ठीक है। सपोज करो मैं ये बोला CH3COH, ठीक है, एक क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आप कोई ये चीज डाल दो, ठीक है, लेट से ये क्या है, तरीके का बेस है, ये एसिड और ये बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसका मतलब होगा इनिशियली तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होगा तो नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर ईपी आप क्या डाल रहे हो, वीक बेस डाल रहे हो, तो फिर कंडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ तो क्या होगा, सेम होगा, पहले बढ़ेगा फिर बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट करते हैं, लास्ट पॉइंट भी दो बार जेईई में पूछा जा चुका है, जेईई एडवांस में पूछा गया ये वाला, ठीक है। और ये एम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एम्स नीट में आ चुके हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट वालों को पूछा जा सकता है, ऐसे गलत फहमी मत रखिए, नीट वाले आपको नहीं पूछेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये जेईई 11 में और 2013 में भी ये दो पैसेज आया था, 2013 में इन दोनों के ऊपर पैसेज आया था, 2011-15 में अलग अलग बार पूछा था, ठीक है। जैसे सपोज करो KCl वर्सेस AgNO3, ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके पहले रिएक्शन डिसाइड कर लो, KCl प्लस AgNO3 किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl प्लस KNO3, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि बीकर में जो KCl था आप डाल रहे हो AgNO3, तो यहाँ पे KNO3 बनेगा प्लस AgCl, तो प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब ये तो खत्म हो चुका है, इससे तो कनेक्टिविटी डिपेंड ही नहीं करेगी। अब डिपेंड किसके ऊपर है, KNO3 के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तब कैसे हम देखेंगे, तो समझो बात को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट तक कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट क्रॉस कर जाएगा, जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट क्रॉस कर जाएगा, तो समझना बात को कि यहाँ पे KNO3 क्या हो जाएगा, एक मिनट, से AgNO3 कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग में जा रहा है, बाद में AgNO3, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आफ्टर ईपी आप क्या डालोगे AgNO3, तो ये क्या होगा, फटाक से बढ़ेगा, क्या होगा, फटाक से बढ़ेगा, इस तरीके से क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। एक्चुअली ये आपको नहीं समझ में आता, ऐसा समझो, क्योंकि देखो यहाँ पे NO3 माइनस का और Cl माइनस की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है, ठीक है। तो जब रिप्लेस भी होगा Cl माइनस NO3 माइनस से, तो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आया देखा गया, और लेकिन जैसे ही AgNO3 आता है तो सटाक से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी डेटेशन, इसके यहाँ से हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
समाप्ति करते हैं और बनाते रहिए, डाउट सेशन पूछते रहिए, डाउट सेशन अपने नरेंद्र से, बाकी कल से सॉलिड स्ट्रक्चर चालू होगा।